कल के वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि क्लस्टरिंग के अंदर हायरार्किकल मेथड को देखा था, आज हम क्लस्टरिंग के अंदर डीबी स्कैन को देखेंगे। ठीक है, हमारे पास डीबी स्कैन को देखेंगे हम, क्लस्टरिंग के अंदर डीबी स्कैन क्या होता है। ठीक है, डीबी स्कैन क्या होता है? डीबी स्कैन स्टैंड्स फॉर डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विद नॉइस। ठीक है, ये इसकी एब्रीविएशन है डीबी स्कैन, डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विद नॉइस। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये हमारे पास टू मेजर इनपुट्स को लेता है, वन इज एप्सिलॉन एंड अदर इज मिनिमम पॉइंट्स। ठीक है, ये उनको लेता है। अब डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ये होती है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ गिवन एरिया। आपके पास एक एरिया है, उसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं वो आपकी क्या कहलाती है? डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, वो हम उसे क्या कहते हैं? वो डेंसिटी है। देन आपके पास आता है कि आप क्या है कि दो मेजर इनपुट्स को यूज करते हैं, एक हमारे पास होता है एप्सिलॉन और एक होता है आपके पास मिनिमम पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? एप्सिलॉन एंड मिनिमम पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि डीबी स्कैन को अगर हम करें तो हमारे पास हम डीबी स्कैन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। डीबी स्कैन में हम कहते हैं कि हमारे पास है एक डायग्राम, देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है आर, यहाँ पे है एस और यहाँ पे हम कह देते हैं कि हमारे पास पॉइंट जो है ये पी है। ठीक है, अब आर से एक और जो है ये हम एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल हम यहाँ पे हम कहते हैं एक पॉइंट क्यू है और एक हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं और एक हम देख लेते हैं हम अगेन जो है यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ इनको वन बाय वन बताती हूँ। ठीक है, हमारे पास डीबी स्कैन में हम देखते हैं हमारे पास एक चीज होती है, हमारे पास होता है कोर पॉइंट। ठीक है, कोर पॉइंट होता है, एक हमारे पास होता है बाउंड्री पॉइंट या बॉर्डर पॉइंट। ठीक है, और एक होता है हमारे पास नॉइस। अब ये तीनों क्या होते हैं? ठीक है, इन तीनों को हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ना कोर पॉइंट का ये मतलब होता है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो मिनिमम पॉइंट्स है ना वो थ्री है। ठीक है, लेट कर लेते हैं हम, मिनिमम पॉइंट्स हमारे पास थ्री है। तो कोर पॉइंट के लिए ये कंडीशन होती है कि आपके पास एक सर्कल के अंदर मिनिमम पॉइंट्स थ्री होने चाहिए। अगर तो एक सर्कल के अंदर मिनिमम पॉइंट्स थ्री है तो आपका वो पॉइंट क्या होगा? कोर पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चेक करते हैं कि आर हमारे पास कोर पॉइंट है या नहीं है तो हम कैसे चेक करेंगे? आर कैसे हमें पता लगेगा कोर पॉइंट है? देखिए आर वाले सर्कल को, ये है ना आर वाला सर्कल। ठीक है, देखिए इसके अंदर ये आर जो है वो सेंटर में है और हम देखते हैं कि इसमें तीन पॉइंट्स आ रहे हैं, एस आर और पी, तीन पॉइंट्स है ना। कंडीशन ट्रू होगी तो हम कहते हैं आर हमारा क्या है, ये हमारे पास कोर पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास अब P क्या कोर पॉइंट है, देख लेते हैं। अब P को देखें, ये P है और P का सर्कल ये है, ये देखें। ठीक है, ये हमारे पास P का सर्कल है। क्या P सेंटर में है और इसके अंदर तीन पॉइंट्स आ रहे हैं? यस, R P एंड Q थ्री पॉइंट्स है ना, तो हम कह देते हैं कि P भी हमारे पास क्या है, कोर पॉइंट है। अब S को चेक करें, S हमारे पास एक तो सेंटर में नहीं है और इसमें हमारे पास सिर्फ दो पॉइंट्स आ रहे हैं, S एंड R। क्योंकि देखिए हमारे पास क्या है, ये सर्कल ये है ना, ये वाला ये सर्कल, इसको देखें तो हमारे पास सिर्फ दो पॉइंट्स आ रहे हैं, दैट इज S एंड R। ठीक है, तो ये हमारे पास मिनिमम पॉइंट्स तो थ्री होने चाहिए, तो ये हमारे पास स्कोर पॉइंट नहीं है। ठीक है, और Q भी हमारे पास स्कोर पॉइंट नहीं है क्योंकि Q के सर्कल में देखें, अगर हम ये हमारे पास है Q का सर्कल ये देखें तो P एंड Q दो पॉइंट्स हैं, तो मिनिमम पॉइंट्स तो तीन होने चाहिए थे, तो ये हमारे पास स्कोर पॉइंट नहीं है। अगर हमारे पास ये कोर पॉइंट नहीं है तो ये कौन से पॉइंट्स हैं? तो ऐसे पॉइंट जो हमारे पास कोर पॉइंट नहीं होते वो या तो बाउंड्री होते हैं या फिर नॉइस होते हैं। बाउंड्री के लिए क्या कंडीशन होती है कि मस्ट बी क्लोज टू नियर होने चाहिए, ठीक है, क्लोज टू द कोर पॉइंट। ठीक है, यानी नियर टू कोर पॉइंट। अब हम देखते हैं कि देखिए एस जो पॉइंट है वो हमारा क्या कोर पॉइंट से नजदीक है? यस, उसके अंदर एक कोर पॉइंट आ रहा है, तो ये एस हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा। और जो हमारे पास क्यू है, देखें क्या ये किसी कोर पॉइंट के नजदीक है? यस, कोर पॉइंट पी के नजदीक है, तो ये हमारे पास बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और नॉइस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम ये कह देते हैं हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे था ए, तो ये बिल्कुल ही इनसे इलादा है जो ना तो बाउंड्री में आ रहा है और ना ही कोर में आ रहा है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? वो क्या होता है? नॉइस होता है। ठीक है, नॉइस क्या होता है? द पॉइंट
दैट इज नीदर कोर नॉर बाउंड्री, ठीक है, ना तो वो कोर होता है ना बाउंड्री होता है, तो उसे हम कहते हैं वो नॉइस पॉइंट है, ठीक है। और नॉइस पॉइंट जो होता है यानी आउटलायर है। और डीबी स्कैन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है आउटलायर्स को, ठीक है, आउटलायर्स नॉइस को आइडेंटिफाई करता है। ये डीबी स्कैन का सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। इसके बाद हम एग्जांपल पे आ जाते हैं डीबी स्कैन की। तो हमारे पास क्वेश्चन में यही आता होता है कि आपने क्या करना है, आपको एक एग्जांपल दी हुई है और आपने इन पॉइंट्स में से बताना है ए बी सी डी ई एफ कि ये इनमें से कोर पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट्स कौन से हैं और नॉइस पॉइंट्स कौन से हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से बाउंड्री पॉइंट्स हैं, कोर पॉइंट्स हैं, ये सारे देख लेते हैं। देखिए कोर पॉइंट के लिए कंडीशन, लेट्स से मैं कहती हूँ हमारे पास मिनिमम जो पॉइंट्स हैं वो 3 होने चाहिए और एप्सिलॉन जो है ना वो हमारे पास क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन जो है वो होना चाहिए 1.5 से लेस होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 1.5, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं कि देखिए पहले हम देख लेते हैं ए वाले को, इसमें कितने मिनिमम पॉइंट्स हैं, 0, 0.7, दो मिनिमम पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या हो गया, ये कोर पॉइंट नहीं है, या तो ये बाउंड्री हो गया या नॉइस हो गया, ठीक है। अब आगे देखें बी वाला, 0.7, 0, दो ही है, तो ये भी या तो बाउंड्री होगा या फिर क्या होगा, नॉइस होगा। सी को देखें, 0, 1.4, इसमें भी दो ही है, तो या तो ये बाउंड्री होगा या फिर क्या होगा, नॉइस होगा। डी को देखें, 0, 1, 0.5, ठीक है, ये हमारे पास अब मिनिमम कंडीशन है, मिनिमम पॉइंट्स 3 हो गए हैं, तो अब ये क्या हो गया, कोर पॉइंट हो गया। यहाँ पे देखें 1.4, 1, 0, 1.4, इसमें 4 आ रहे हैं, ठीक है, तो मिनिमम पॉइंट्स 3 से। अब हमने ई को भी देख लिया कि ये हमारे पास क्या था, कोर पॉइंट था, ठीक है, ई भी कोर पॉइंट हो गया। अब हमने क्या करना है, एफ को देखना है। एफ देखें, इसमें मिनिमम पॉइंट्स जो हैं जो कि लेस देन 1.5 होने चाहिए और 3 होने, 3 या इक्वल टू 3 होने चाहिए या 3 से ग्रेटर होने चाहिए, तो वो कोर पॉइंट होगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 0.5 है, 1.1 है, 0 है, 3 पॉइंट्स है, तो ये क्या हो गया, कोर पॉइंट। अब ये तो हमने कह दिया कि ये भी कोर पॉइंट है, ये भी है, ये भी है। अब बाउंड्री और नॉइस के साथ क्या करना है, अब हम देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये बाउंड्री होगा या नॉइस होगा, ये देखिए आप रो वाइज चेक करें, इसकी जो जीरो को छोड़ के जो नेक्स्ट लेस वैल्यू थी वो क्या थी, 1.4 थी, ठीक है, 1.4 थी। इस रो में हमारे पास क्या आ रहा है, ई, ई ऑलरेडी विजिट हो चुका है, जो कि हमने कहा है कि कोर पॉइंट है, तो जो इसका मतलब है कि ये जो सी वाला है ये नियर टू द कोर पॉइंट है, जो कोर पॉइंट से नियर होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, बाउंड्री पॉइंट, तो इसका मतलब है सी हमारे पास क्या है, बाउंड्री पॉइंट है। अब बी क्या है, बी देखें, जो हमारे पास इसमें दो लेसर वैल्यू आ रही है, जीरो से जो बड़ी होगी उसको देखना है, 0.7 किसमें आ रहा है, ए में, तो ए का तो अभी डिसाइड ही नहीं हुआ कि वो बाउंड्री है या नॉइस है, तो बी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हमारे पास नॉइस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और देन हम ए पे आ जाते हैं, तो ए पे देखें हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, 0.7, 0.7 हमारे पास बी में आ रही है, बी ऑलरेडी विजिट हो चुका है, जिसको हम कह चुके हैं ये नॉइस है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉइस पॉइंट। तो ये था हमारे पास डीबी स्कैन, जिसमें हम ये देखते हैं कि कोर पॉइंट्स क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स क्या है और नॉइस पॉइंट्स क्या है। थैंक यू।